Good morning, dear students. Hope you all are fit and healthy. Welcome to Hindi class. Today in Hindi class, we will start reading of chapter number 10, Panch Parmeshwar. प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी है जो न्याय के मानदंडों को रिश्तों या संबंधों के दायरे से अलग होकर निश्चित करती हुई प्रतीत होती है। पंच बनने पर व्यक्ति केवल न्याय संगत विचारों को अपनाता है और अपने निजी संबंधों को भूलकर निष्पक्ष न्याय करता है। देखो बेटा, ये कहानी जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति पंच बन जाता है, पंच मीन्स वो होते हैं ना कि विलेज में सरपंच होते हैं, उसको कहते हैं पंच, ठीक है जी। तो जो पंच बन जाता है तो वो अपने सारे संबंधों, निजी संबंधों को भूलकर, रिश्तों को भूलकर, निष्पक्ष होकर, मतलब बिना किसी पक्ष, किसी का पक्ष लिए न्याय करता है। तो ये जो स्टोरी है बेटा, यह एक बूढ़ी औरत की है जो पंच के ऊपर विश्वास रखती है कि पंच उसके पक्ष में सही फैसला सुनाएंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, ठीक है बेटा। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है जुम्मन शेख और एक का नाम है अलगू चौधरी। दोनों पक्के मित्र थे। सांझे में खेती होती थी, मतलब दोनों साझेदारी में खेती करते थे। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। जो मुसलमान लोग होते हैं बेटा, वो हज करने जाते हैं तो वो जो अपना घर की जो जिम्मेवारी है वो अलगू को सौंप गए। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे, और जब कभी अलगू को ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी जुम्मन के सर पर अपना घर जो था वो छोड़ जाते थे। उनमें ना तो खान पान का व्यवहार था और ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। देखो बेटा, ना तो उनका खाना पीना एक जैसा था और ना ही कोई धर्म का रिश्ता था। जुम्मन शेख जो था वो मुस्लिम था और अलगू चौधरी जो थे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो सिर्फ उनके जो विचार है और जो मित्र होते हैं बेटा, मित्रता का जो सही मूल मंत्र है वो यही होता है कि दो व्यक्तियों के आपस में विचार मिलने चाहिए। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी थी। अब बेचारी खाला को प्राय नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। तो बेटा इसमें क्या है कि जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, ठीक है, तो उसके पास थोड़ी बहुत मिल्कियत होता है बेटा, जायदाद। तो उसके मतलब निकट संबंधियों में कोई नहीं था, सिर्फ जुम्मन था। और जुम्मन ने बड़े लंबे चौड़े वादे किए कि खाला का वो ध्यान रखेगा, ठीक है। और ऐसे जैसे करके उसने जो खाला की सारी जायदाद थी वो अपने नाम लिखवा ली। और जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक तो वो खाला का खूब आदर सत्कार करता, बड़ी उसकी पूछताछ करता। और जैसे ही वो जो मिल्कियत थी वो जुम्मन के नाम हो गई तो उसने खाला को पूछना बंद कर दिया, मतलब उसका रोज़ अपमान करता, रोज़ उसको जलीकटी सुनाता। तो थोड़े दिन तो खाला ने सहा, लेकिन जब उससे नहीं सहा गया तो वो जुम्मन से शिकायत करने लगी तो और उससे अलग रहने की मांग करने लगी। तो जुम्मन ने बड़े गुस्से से उसको उत्तर दिया कि रुपए क्या यहाँ फलते हैं। अब देखो जुम्मन के पास किसके रुपए हैं, खाला के, ठीक है। और तो भी वो खाला का ध्यान नहीं रखता, उल्टा उसे जलीकटी सुनाता है। खाला ने नम्रता से पूछा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं।
जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये रात दिन की खटपट पसंद नहीं। ठीक है, तो वो खाला को खाला जब उससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है तो वो उसको पंचायत की धमकी देती है कि मैं ये मामला जो है वो पंचायत में लेकर जाऊंगी। लेकिन जुम्मन जो था वो मन ही मन बड़ा खुश होता है, वो कहता जाओ करवा लो पंचायत। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो पंचायत थी वो उसके पक्ष में ही, जुम्मन के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी। तो वो कहता है कि मुझे ये दिन रात की जो खटपट है वो पसंद नहीं है, तो तुम पंचायत में जा सकती हो। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके, मतलब उसको अपने पैसे का बड़ा घमंड था। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी ही जीत होगी, मतलब कोई किसी में इतना साहस नहीं है कि जो जुम्मन को अपना शत्रु बना ले। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गाँव में दौड़ती रही, कमर झुककर कमान हो गई थी। कमान मतलब बेटा तीर कमान होता है ना, ठीक है, तो जो कमान होता है वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, तो उसकी कमर भी ऐसे ही झुककर मतलब कुबड़ी हो गई थी, वो झुककर उसकी जो कमर थी वो कमान जैसी हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर हो गया था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना ज़रूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, इसे आप लोग जानते ही हो। देखो बेटा, पंच को पंच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5 व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है जी, तो वो जो 5 व्यक्ति होते हैं वो आपस में डिस्कस करके कोई भी जो निर्णय होता है वो लेते हैं। ठीक है जी, उसमें एक मेन जो पर्सन होता है उसको सरपंच कह देते हैं। ठीक है, तो वो सारे आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। तो पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की कि देखो आप लोग सभी जानते हो कि 3 साल हो गए मैंने जो अपनी जायदाद थी वो अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब ना पेट को रोटी मिलती है ना तन को कपड़ा, बेबस बेवा हूँ। बेवा होती है बेटे जिसका पति मर गया हो, विधवा। कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूँ, मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊँगी। मतलब उसने अपनी बात रख दी कि अब तो जो जुम्मन है वो ना तो उसको खाने के लिए रोटी देता है और ना ही तन ढकने के लिए कपड़ा देता है। ठीक है, मैं बूढ़ी हूँ, कचहरी दरबार नहीं जा सकती, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकती। ठीक है, तो आप लोग ही मेरा कोई फैसला कर दो, जो भी आप फैसला कर दोगे वो मैं सिर माथे चढ़ा लूँगी, वो मुझे मंजूर होगा। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो ना, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। तो खाला को पता था जो अलगू चौधरी है वो मतलब जुम्मन शेख का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो वो कहती है कि तुम और किसी पर विश्वास नहीं करते तो रहने दो, मैं अलगू चौधरी को ही पंच चुनती हूँ, बदना मीन्स चुनना। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। तो जुम्मन शेख को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि उसने अलगू को बोला, क्योंकि उसको ये था कि अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो जो फैसला है वो उसके फेवर में ही सुनाएगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है, जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन के जिरह शुरू की तो
एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जिरह होता बेटा सवाल जवाब, मतलब जब अलगू ने जुम्मन से सवाल जवाब शुरू किए तो एक एक जो प्रश्न था वो जुम्मन के दिल पर हथौड़े की चोट करने लगा। जुम्मन चकित थे, मतलब हैरान थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। देखो पहले वो पंच नहीं था, ठीक है ना, आम इंसान की तरह बैठा हुआ था, तो ऑब्वियस है वो जुम्मन के पक्ष में ही बोलेगा, ठीक है ना। जब उसको पंच के मतलब कुर्सी पर बिठा दिया गया, पद पर बिठा दिया गया, तो उसकी काया ही पलट गई, ठीक है। अब वो उसकी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। जुम्मन बड़ा हैरान है कि अलगू उसके फेवर में क्यों नहीं बोल रहा, क्यों उससे ऐसे तर्क वितर्क कर रहा है। तो इसके आगे बेटा क्या होता है, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।